जी आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय का सेकंड पार्ट। तो ये काफ़ी बड़ा है, तो पहले पार्ट में मैंने दिखाया आपको जो कि एक अलग बिल्डिंग में था, ग्राउंड फ्लोर पे था, फिर फर्स्ट फ्लोर पे भी उनका मैंने दिखाया। अभी जो न्यू बना हुआ है तो ये न्यू बिल्डिंग के अंदर है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आप मैं जैसे कि आपको दिखा ही रही हूँ तो रैली में मेरे को तो देख के बहुत मज़ा आया। आप भी प्लीज़ जब भी अगर दिल्ली में है तो ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। तीन मूर्ति चौक पर है ये, और मेट्रो नियर बाय मेट्रो भी कोई जाती है इसकी, तो अगर आप प्रधानमंत्री संग्रहालय लिखेंगे तो आपको सारा का सारा आपको नज़र आ जाएगा, कौन सी मेट्रो मतलब वहाँ पर जाएगी और कौन सा स्टेशन नियर बाय इसके हैं। यहाँ पर एंटर करते ही सामने बहुत बड़ी स्क्रीन है जिस स्क्रीन पे आप सामने देख ही सकते हैं। वाओ, सबसे पहले इसमें हमें दिखाई दे रहा है पार्लियामेंट, बहुत अच्छे से दिखाया गया है हर एक चीज़ को, मतलब आपका मन करता है आप रुक कर खड़े होकर इन चीज़ों को देखें, रीड करें। रैली में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है ये कि लोग मतलब कि एक होता है ना कि आप किसी चीज़ को बुक्स में पढ़ते हैं तो आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आता, बट अगर आप यहाँ आकर ये सब चीज़ें देख रहे हैं रैली में आपकी जो नॉलेज है ना और दुगनी हो जाएगी। तो ये सामने आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक जो कि बिना सपोर्ट के बनाया गया है। आगे जाते जाते गैलरी में मतलब राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी जो जितने भी नेता हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी रह चुके हैं उन सब के बारे में है थोड़ी थोड़ी सी मतलब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई है, जैसे वो कौन से सन में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, क्या नाम है उनका, मतलब उस सब के मतलब की डेट्स भी लिखी हुई है कि कौन से ईयर में ये प्रधानमंत्री थे, कौन से ईयर में ये राष्ट्रपति थे। तो इन सब के बारे में भी ना थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और ये सब जा मतलब ये सब से जब आप गुजरेंगे ऊपर जाते ही फिर स्टेयर्स हैं, उन स्टेयर्स पे ऊपर जाकर भी इंदिरा गांधी जी के बारे में बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो कैसे परिवार से थी, उनका बचपन कैसे बीता, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो आप खुद आएंगे ना, हालांकि वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ आपको क्लियरली, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब यहाँ पर आकर ना आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगी। कई बार चीज़ें होता है ना बुक्स में हम इतना डीपली नहीं पढ़ते, बट इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन में आप देखेंगे तो आपका खुद ब खुद मन करेगा कि मैं मतलब कि रीड करूं, और फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं। आप अगर अपनी फैमिली में अपने बच्चों को लेकर आते हैं ना, उन बच्चों के लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये। बहुत सारी जगह पे टच स्क्रीन भी था, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है मतलब कि उनकी लाइफ के बारे में तो वो आप टच करके स्क्रीन को ले सकते थे। हो भी सकता है कि मैं आप लोगों को इतने अच्छे से ना समझा पा रही हूँ, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जाइएगा, देखिएगा, अपने बच्चों को लेके जाइएगा। आपके बच्चों को रैली में इतना वो इन्जॉय करेंगे ना वहाँ पर, बहुत ज़्यादा उनको बहुत सारी जो है ना जानकारी मिलेगी, हिस्ट्री के बारे में भी और प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में भी, प्रेजिडेंट्स के बारे में भी, जो रह चुके हैं, जो अभी नहीं हैं, जो रह चुके हैं उन सब के बारे में, क्योंकि डेट्स भी इतनी बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं, वो आप
मुझे ही देखकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जैसे मेरे दिमाग में छप गई हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप खुद अपनी आँखों से देखते हो, खुद वहाँ पर जाते हो, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो आप ज़रूर जाइए अपने बच्चों के साथ। यहाँ पे मैं भी नारा लगाती जय जवान जय किसान। इस जगह पर मैं घूमने के लिए आई थी ज़ू के बाद, जब मैं चिड़ियाघर घूम के तब मैं इस जगह पर घूमने के लिए आई थी। उसके मतलब इतना घूमने के बावजूद भी मैं बहुत टायर्ड थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें देख के ना मेरा मन इतना खुश हो रहा था ना अंदर से, मतलब मुझे मेरी थकान का पता ही नहीं चला कहाँ गई, और इतनी मैं एक्टिव हो गई, और मैं मतलब कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ज़ू भी अभी घूम कर आई हूँ। हालांकि ज़ू में कितना घूमना पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी ताकत थी। ये सब चीज़ें देख के ना रियली में मन के अंदर ना बहुत एक पीस, और एक बोलते ना कि तुम्हारे बॉडी में भी कई बार ऐसे झंझनाहट सी हो जाती है जब तुम कुछ रीड करते हो उन लोगों की लाइफ के बारे में जो उस वक्त पे था चीज़ें। तो वही है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें होती ना देखने के बाद, बहुत तुम उस चीज़ को इंटरनली अपने फील करते हो। एक पिक्चर और सुनो, एक पिक्चर और खींच दो, सुनो।
पहले के टाइम पर कैसे फ़ोन थे, किस तरीके से कॉल करते थे, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर दिखाया गया है। और पुराने के टाइम की जो जो चीज़ें थी, पुराने के टाइम का जो टीवी था, रेडियो था, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई हैं, दिखाई गई हैं। एक बार तो आप ज़रूर घूम के आइए, आपका जीके जो है ना इतना मजबूत हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा। और ये जो बाहर निकलने की अब हमारा टाइम हो गया था, तो ये भी गैलरी में दोनों साइड्स पे जो है जीके का जनरल नॉलेज की मतलब सारी पिक्चर्स लगाई हुई थी। उन फेमस हस्तियों की यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हुई थी और वो किन चीज़ों में माहिर थे उन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था, कौन से सन में जो कलर्ड मूवी आई वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ था, कौन से ईयर में पीटी उषा ने मतलब कि जीती थी, फर्स्ट आई थी, प्राइज़ जीता था, वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर मतलब लिखा गया है और उनकी पिक्चर्स भी लगाई हुई है। हाँ, इससे बाहर निकलने के बाद यहाँ पर एक कैंटीन भी है, अगर आप टायर्ड हो जाते हो तो वहाँ पर खाने पीने के लिए भी आप उस कैंटीन में जा सकते हो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी मैं ऐसे ही मतलब कि वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए आज बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये भीड़ है प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखित पत्र यहाँ पर आपको मिलेगा। ये पत्र आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी जब टिकट लेते हैं उस टाइम पे आप उनको बोलेंगे, तभी आपको ये जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा हुआ पत्र मिलेगा, क्योंकि उसके लिए अलग से एक टिकट होती है, शायद वो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने नहीं ली, हमें पता नहीं था, तो जब हम यहाँ पर आए तब हमें पता चला। तो अगर आप भी
लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा हुआ पत्र, तो जब आप टिकट खरीदते हैं उसी टाइम पे आप पूछिएगा।